यूपी में योगी सरकार की दूसरी पारी शुरू होते ही बाबा का बुलडोजर धड़ाधड़ चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी का सीधा आदेश है कि गुंडे, माफियाओं और अपराधियों के अवैध निर्माणों को निस्तेनाबूद कर दिया जाए, कोई रहम की गुंजाइश नहीं। लेकिन ये जिस मकान को आप ढहता देख रहे हैं वो एक पुलिस वाले का है। जी हाँ, नाम है जगत नारायण सिंह। यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर रहे जगत नारायण सिंह ने आखिर ऐसा क्या किया कि उनके 3 मंजिला आलिशान मकान पर बुलडोजर और हथौड़ा चल रहा है, आइए आपको बताएं। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड का आरोपी। गोरखपुर का मनीष गुप्ता हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। पिछले साल 27 सितंबर को कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के कृष्णा पैलेस होटल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। मनीष अपने कुछ साथियों के साथ गोरखपुर में अपने दोस्तों से मिलने आए थे। मृतक कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता ने आरोप लगाया था कि होटल में दबिश के दौरान पुलिस वालों से कुछ बहस हुई और पुलिस वालों ने उनके पति को पीट पीट कर मार डाला। मामला सीएम योगी के शहर का था। विपक्ष ने चुनाव में मामले को खूब उछाला। मुझे याद है जिस समय घटना हुई गोरखपुर में, समाजवादी लोग परिवार से मिले और परिवार की लगातार मदद कर रहे हैं। सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, जिसके बाद रामगढ़ ताल थाने के इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह सहित 6 पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाया गया। सभी की गिरफ्तारी हुई और सभी 6 आरोपी अभी जेल में हैं। अब कड़ी कार्रवाई में जुटा है प्रशासन। मनीष गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी जगत नारायण सिंह के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई में जुटा है। चिन्हट के सथरिक रोड पर देवराजी विहार में आरोपी इंस्पेक्टर का ये 3 मंजिला मकान बना हुआ था। बताया जा रहा है कि एलडीए से बगैर नक्शा पास कराए 900 स्क्वायर फीट पर ये आलिशान मकान बनाया गया था, जिसके चलते प्रशासन ने ये कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान चिन्हट में भारी मात्रा में फोर्स मौजूद रही। बताया जा रहा है कि जगत नारायण सिंह ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके बिना नक्शा पास कराए ही ये आलिशान मकान खड़ा कर लिया था। नौकरी से बर्खास्त हो चुका है इंस्पेक्टर। कोर्ट में चार्जशीट दायर होने के बाद मुख्य आरोपी इंस्पेक्टर को यूपी पुलिस की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। हाल ही में सभी आरोपियों को सड़क के रास्ते दिल्ली की तिहाड़ जेल ले जाया गया था। मामले का ट्रायल जल्द पूरी हो जाने की उम्मीद है और इस बीच प्रशासन का बुलडोजर चलता जा रहा है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।